बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार चिकन जिंजर। चिकन जिंजर बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन ली है, 4 टमाटर हैं इनको मैंने कट कर लिया है बीच में से, 1 teaspoon नमक, 1 tablespoon भुना कुटा ज़ीरा, 1/4 teaspoon हल्दी, 1 tablespoon कुटी हुई मिर्च। ये 6 मिर्चें हैं और इन्हें मैंने बीच में से इस तरह से कट कर लिया है, 2 कर लिए हैं। और ये 4 tablespoon अदरक ली है मैंने, इसकी मैंने जूलियन कटिंग करी है। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है और अब इसके अंदर मैं ये चिकन ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसके अंदर मैं ये अदरक जो बताई थी आपको वो शामिल कर रही हूँ सारी। और अब इसको हम इसके अंदर ऑयल में खूब अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। अदरक के साथ हमने चिकन को इतना ज़्यादा फ्राई करना है कि चिकन का कलर बहुत अच्छा सा आ जाए और कलर चेंज हो जाए इसका। चिकन को हमने ऑयल में अदरक के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कलर भी अब देखें बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इस चिकन को मैं इसमें से निकाल लूँगी ऑयल में से। सारी चिकन हमने इसमें से निकाल लेनी है। सारी चिकन मैंने इसमें से निकाल ली है और इसके अंदर अब थोड़ी सी अदरक अभी भी मौजूद है, वो आप उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब इसके अंदर मैं ये सारे टमाटर ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसके अंदर मैं ये कुटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक और ये भुना कुटा ज़ीरा, इसे भी शामिल करके खूब अच्छे से हमने इसको भूनना है। इतना भूनना है कि टमाटर इसमें अच्छे से मैश हो जाएं सारे। टमाटर हमारे देखे अच्छे से बिल्कुल गल गए हैं और अब इसके अंदर मैं ये जो चिकन निकाली थी वो दोबारा से डाल रही हूँ और साथ ही इसके जो हमने हरी मिर्चें काटी थी वो भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब इसको मैं टमाटर के साथ अच्छे से भून लूँगी और हमने इसको इतना पकाना है कि चिकन भी हमारी इसमें गल जाए। चिकन को मैंने इसमें अच्छे से भून लिया है और अब इसके अंदर मैंने 1/2 कप पानी डाला है और इसको कवर करके मैं स्लो फ्लेम पर चिकन गलने के लिए रख रही हूँ। हमारी मज़ेदार चिकन जिंजर अब बिल्कुल रेडी है, चिकन भी गल गई है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। हमारी मज़ेदार चिकन जिंजर की फाइनल लुक आपके सामने है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।